हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग स्टूडियो बेबी जग। आज हम बनाने वाले हैं सेव उसल। ये गुजरात के वडोदरा का फेमस स्ट्रीट फूड है। आप इसे ब्रेकफास्ट या तो दिन में कभी भी खा सकते हो। कुछ लोग इसे तीखा खाना पसंद करते हैं, तो हम स्पाइसी तरी बनाएंगे और उसल के लिए स्पेशल मसाला भी बनाएंगे, जो उसल के स्वाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मटर को बॉईल कर लेते हैं। तो उसके लिए आधे कप सफ़ेद मटर को मैंने 8 से 10 घंटे के लिए भिगो के रखे थे। उसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे, थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डालेंगे। आप सफ़ेद मटर की जगह ग्रीन मटर भी ले सकते हो। और प्रेशर कुकर को बंद करके 5 सीटी आने तक हम बॉईल करेंगे। अब हम तरी बनाते हैं। तो उसके लिए एक मिक्सी के जार में 1/4 कप लहसुन, थोड़ा सा नमक और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 2 टेबलस्पून पानी डाल के हम पेस्ट बना लेते हैं। तो तैयार है हमारी पेस्ट। इसे एक बाउल में ले लेते हैं। इस पेस्ट को हमें सोते करना है, तो उसके लिए एक पैन में हम 5 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे और उसमें हमने जो पेस्ट रेडी की है लहसुन की, वो डाल देते हैं। ये तरी में तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, तो इसके लिए हमने तेल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो पेस्ट हमने डाली है उसके छींटे उड़ेंगे। तो मीडियम टू स्लो गैस पर हम इसे सोते करेंगे। तो अभी तेल के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। तो उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना पानी डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें थोड़ी देर सोते करनी है, इसलिए हम इसे इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब पानी डाला है, तो इसके लिए फिर से थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। और 2 मिनट जितनी हमें इसे पकानी है, ताकि अच्छे से पक जाए और थोड़ी सी ठीक होने तक हम इसे पकाएंगे। और रेडी है हमारी तरी। तो गैस को बंद कर देते हैं और एक बाउल में हम ले लेते हैं। तो अब हम उसल के लिए स्पेशल मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए 2 टीस्पून सौंफ, 1 तेज़पत्ता, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 लाल सूखी मिर्च, 8 से 10 काली मिर्च, 6 लौंग, 1 चक्री फूल, 3 इंच जितनी दालचीनी, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक लिया है। तो मसाले की सारी चीज़ें हम रोस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक पैन में सारी चीज़ें एक एक करके डाल देते हैं और स्लो गैस पर ही हम इसे रोस्ट करेंगे। तो इसे रोस्ट करने में 4 मिनट जितना टाइम लगेगा। इसमें से खुशबू आने लगेगी और हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो रोस्ट करके रेडी है, इसे एक बाउल में ले लिया है और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी के जार में पीस लेते हैं। तो पीस के रेडी है हमारा मसाला और इसे एक बाउल में ले लेते हैं। अब हम उसल के लिए पेस्ट बनाते हैं। तो उसके लिए मिक्सी के जार में 1/2 कप प्याज, 1/2 कप टमाटर, 8 से 10 कली लहसुन और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसे हम पेस्ट बना लेते हैं। तो पेस्ट बन के रेडी है, उसे एक बाउल में ले लेते हैं। अब प्रेशर कुकर भी ठंडा हो गया है, तो खोल के चेक कर लेते हैं। अभी अच्छे से मटर बॉईल हो चुके हैं, उसके एक बाउल में ले लिया है। अब एक पैन में
3 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। उसमें हमने जो पेस्ट रेडी की है वो डाल देते हैं और तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसमें आधी टीस्पून नमक डाल देते हैं और पेस्ट को हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। अभी हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। पेस्ट भी अच्छे से रोस्ट हो गई है और तेल भी थोड़ा अलग हो गया है और हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें मसाला करेंगे। तो उसके लिए एक टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ताकि उसका कलर बढ़िया आए, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून हमने जो उसल का मसाला रेडी किया है वो डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये ग्रेवी में और तेल में सारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अब इसमें बॉईल किए हुए मटर डालेंगे और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं। अभी उबलने लगा है तो इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। इसको उबलने देते हैं। ये थोड़ी सी पतली ही रहती है। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा करना है तो आप इसमें बेसन का घोल बनाकर भी डाल सकते हो या तो उबले हुए आलू को मैश करके भी डाल सकते हो। तो अभी इसको ढक के हम 15 से 20 मिनट तक स्लो गैस पर ही पकने देते हैं। ये जैसे ही उबलेगा तो सारे मसाले का टेस्ट मटर के अंदर अच्छे से आ जाएगा। दो टीस्पून जितना नींबू का रस डालेंगे अभी रेडी हो गई है। तो गैस बंद करके हम 1 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन डालेंगे। ये हरे प्याज का हरा हिस्सा लिया है वो डाल देते हैं। अब हम सर्व करते हैं। एक बाउल में हम उसल लेते हैं। उसके ऊपर हम सेव डालेंगे। उसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन, जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से हम तरी डालेंगे। तो तैयार है हमारी टेस्टी और मजेदार सेव उसल। इसको हम टमाटर, हरा प्याज, नींबू और पाव के साथ सर्व करेंगे। तो इस मजेदार रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको कई सारी नई रेसिपी देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।